फ्रेंड्स, संगीता मिश्रू चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेथी चवन। फ्रेंड्स, ये मैंने मेथी और पालक को साफ धो लिया है, अब हमें इसे ब्लांच करना है। फ्रेंड्स, मेथी और पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसमें हम ये साफ धोकर लाई है मेथी, मैंने इसको मैं ब्लांच करने के लिए एक पैन में डालूंगी और दूसरे पैन में हम पालक को भी डाल देंगे ब्लांच करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं मेथी और पालक दोनों में और 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह उबलते हुए पानी में ब्लांच कर लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं मेथी का भी और पालक का भी और इसको अब हम इसमें से निकाल लेंगे गर्म पानी में से। मेथी और पालक दोनों का ही पानी हम निकाल लेंगे। मेथी और पालक को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और बाद में हमें इसे मिक्सर जार में पीसना है। ये मेथी और पालक को मैंने मिक्सर जार में ले लिया है, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। इसको मैंने बारीक पीस लिया है मेथी और पालक को, इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। अब मैंने पैन में 2 चम्मच तेल गरम किया है, इसमें हमें आलू को फ्राई करना है। इसमें हम आलू डाल देते हैं। आलू को मैंने 2 आलू छील कर थोड़े मीडियम साइज के टुकड़ों में कट किए हैं। आलू में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं जल्दी, जिससे कि ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। मिक्स कर देते हैं और फ्लेम थोड़ी मीडियम कर देंगे और ढक कर इसे हम कुक करेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, ये आलू हमारे अच्छी तरह कुक हो गए हैं। बीच में मैंने इसको 2-3 बार इस तरह से चला दिया था, नहीं तो ये एक साइड से ज्यादा गोल्डन हो जाएंगे। ये सब दूर से अच्छी तरह हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आलू निकालने के बाद अब हम इसी तेल में 1/2 टीस्पून जीरा डालते हैं। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने। प्रोमिनेंट फ्लेवर देना है सब्जी में अदरक मिर्ची लहसुन का। एक बड़ी हरी मिर्च मैंने ली है, 4-5 कली लहसुन लिया है और अदरक का टुकड़ा लिया है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, एकदम बारीक मैंने चॉप कर लिया है प्याज को, वो भी इसमें डाल देते हैं। लहसुन और प्याज की रॉ स्मेल निकल जाए इतना हमें इसे सौते करना है। प्याज को भी मैंने 1 मिनट के लिए सोते कर लिया है, तेल छूटने लगा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं सारे सूखे मसाले। सबसे पहले डालेंगे, गैस पर थोड़ा धीमा रखेंगे और सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आप आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और धनिया पाउडर भी हमें लेना है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। मिक्स कर देते हैं, सब अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ये पालक और मेथी की पेस्ट जो हमने बना के रखी है वो भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए पानी डाल रहे हैं। सब्जी की कंसिस्टेंसी आप आपकी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 1/4 कप पानी इसमें डाला है। ये हमने फ्राई किए हुए आलू है इसे डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मेथी चमन में पनीर डाला जाता है, पर पनीर हम रोज रोज तो नहीं खा सकते, इसलिए हम इस तरह से आलू डालकर भी इस सब्जी को हम रूटीन में बना सकते हैं। पर आप चाहें तो बच्चों का मनपसंद पनीर डालकर इस सब्जी को बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक हमें डालना है। और हम इसमें डाल रहे हैं, हमने पनीर नहीं लिया है इसलिए रिचनेस देने के लिए हम सब्जी को घर की मलाई डालेंगे। मलाई की जगह आप एक चीज क्यूब भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। अभी मैं मलाई डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने मलाई दी है। मलाई मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें डालना है कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है और हाथ से इसे क्रश करके डालना है, जरूर कीजिए। ये हमारी सब्जी अच्छी तरह से कुक हो गई है और अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी।